आगे खबर मिली है कि दारचा में 9 बजे के बाद बैरियर बंद कर देते हैं। ठीक है, बीच में एक दो जगह लैंडस्लाइड हुई हुई थी तो भाई दारचा चेक पोस्ट पहुँच गए। चलो नीचे उतरे और असली एडवेंचर शुरू हो गया जिसके लिए शिंकुला फेमस है। और ये देखो राइट साइड में दिख रहा होगा शायद ये पुल का बचा कुचा हिस्सा है, जो गाड़ी रुकी तो रुक गए, अगर चलती रही तो निकल जाएंगे। गाड़ी फंस चुकी है और हम लोग गाड़ी से उतर के नीचे खड़े हैं। तो फाइनली वेलकम टू शिमला। तो भाई फिर से चल पड़े हैं शिंकुला से नीचे उतरने लग गए हैं। शिंकुला भी देख लिया यार, और रोड यहाँ पे रास्ता अच्छा बना दिया, कुछ काफ़ी चौड़ा रास्ता है और बीआरओ वाले अभी भी काम कर रहे हैं। भाई ये लोग सही में यार कमाल ही है, रास्ता अब काफ़ी आसान हो गया है, इतनी चौड़ी सड़क है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जाने में। और वो सामने का व्यू देखो भाई, ओए होए क्या ही सुंदर व्यू है यार, बर्फ़ पहाड़ के ऊपर एकदम चमक रही है और बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। सही है यार, यहाँ पे हर मोड़ पे कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि मज़ा ही आ जाता है। और ये कुछ मोड़ खतरनाक सा, एक यहाँ पे भी पहले वाटर क्रॉसिंग होती थी, पानी दिख रहा है साइड में, हाँ यहाँ से नीचे पानी जाता था, अभी आसान हो गया तो रास्ता बना दिया, काफ़ी इजी है यार। तो ही घूमते घामते जाना चाहते थे, तो आप लोगों को दिखाई देता हूँ ज़्यादा सस्पेंस की करना। तो भाई ये लोकेशन है, 80% लोगों ने तो गैस कर लिया होगा, गोनमो रंजन द होली माउंटेन। अब इसकी हिस्ट्री वगैरह तो नहीं पता यार क्या है, कहते हैं होली माउंटेन है, यहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट या इसने मतलब, और इसकी शेप भी देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे हाथ जोड़े हुए होते हैं, मतलब डिफरेंट सा करे में यार। एक सिंगल पहाड़ी की चोटी खड़ी है, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट है, और क्या ही मौसम हो रहा है, इससे मस्त मौसम हो रहा है। और फोटोग्राफर्स आ गए काफ़ी सारे तो वो हमें भगा रहे हैं। कैंप्स भी हैं यार, यहाँ पे कैंप्स लग गए अब तो, बट यहाँ स्टे करना एंड आउट ना कंफर्टेबल होगा क्योंकि वैली है, हवा चलती रहती होगी सारा दिन, और पानी भी रिवर का पानी देख लो इतना साफ नहीं है, पीने लायक तो नहीं होगा, पीने क्या नहाने धोने लायक भी नहीं है, बड़ा मुश्किल है। कैंप से छोटा सा ढाबा है थोड़ा, पहले ये सब कुछ नहीं होता था, खाने को कुछ नहीं मिलता था पदम तक, अभी फिर ठीक है। और बहुत दबाव में फोटोग्राफी चल रही है, दो भाई बाइक लेके आए हुए हैं, वो पीछे भी कैंप से। तो यार बड़ा सरप्राइज हूँ मैं, मतलब क्या ही रोड बना दी यार बीआरओ ने, और सिर्फ एक वाटर क्रॉसिंग आई थी वो भी जो 2 अगस्त का क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, वहाँ पे 2 पुल उड़ गए थे, तो वो एक वाटर क्रॉसिंग थी, उसके बाद कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं। और शिंकुला के बाद मोस्ट ऑफ 60% रोड टारमैक है यार, और अभी बना रहे हैं तो आई गेस 1-1.5 महीने बाद कोई अगर आएगा तो रोड मतलब मक्खन मलाई, और दारचा से 1-1.5 घंटा लगेगा। तो सही है यार, थैंक यू बीआरओ, डिफरेंट ही लेवल है। ये स्वेक्टर मन लगा हुआ फोटो खींचने, सारे भाई फोटो खींच रहे हैं, वो कैंप में भी रह रहे हैं यार लोग काफ़ी सारे, जूम कर वो बुला रहा है भाई, चाय का टाइम हो गया, ये दिख रहा होगा चाय बन गई होगी, तो चाय पीते हैं फिर उसके बाद आज का स्टे पूरने, और देखते हैं वहाँ पे हालात कैसे, कैसा रहने का सिस्टम है क्या है।
तो भाई लोग वेलकम बैक, पहुँच गए और 3:30 पहुँच गए थे और पूरी पूरी पी आवर्स हो गए थे। बहुत ही प्यारी लोकेशन है यार, छोटा सा गांव है, ज़्यादा कोई स्टे ऑप्शन नहीं है, टेंट है, एक दो छोटे मोटे होम स्टे है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी फ्रेश फ्रेश हो गए हैं, चाय चाय पी ली, अभी निकले गए हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। आप लोग भी देखो पूर्णिया मेरे साथ, बड़ी अच्छी लोकेशन है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, एक बार नज़र मार लो, फिर मैं बाकी बताता हूँ इसके बारे में। ये कुछ रास्ता है जिससे हम लोग नीचे जा रहे हैं, वो ब्रिज है, वो ब्रिज क्रॉस करके वो रोड पदम को जाती है और नीचे रिवर। ये कुछ खेत हैं, ये ऊपर स्तूपास दिख रहे होंगे, छोटा सा विलेज है। चढ़ाई उतर रही है, थोड़ी सी चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है, बड़ा अच्छा है यार, बहुत प्यारी लोकेशन है। ये शक्तिमान जा रहा है पानी की बोतल लेके, शक्तिमान थक गया है, शक्तिमान का सिर दर्द हो रहा है और बाकी भी ग्रुप में एक दो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली शिंकुला पे काफ़ी टाइम रुके और वहाँ पे आल्टीट्यूड काफ़ी था, तो हो सकता है भाई वहाँ बैटरी डाउन हो जाती है, ध्यान रखना चाहिए यार हाई आल्टीट्यूड में। बट क्या ये अमेजिंग लोकेशन है यार, वर्थ था ये ट्रिप, आना चाहिए भाई। देखो पहाड़ एक बार, ओए होए होए, ग्रीन ब्राउन, रास्ते में रेड भी थे आपने देखे होंगे, दिखाए थे मैंने। और ये ब्रिज है, सही है। और यहाँ पे एक, हाँ शक्तिमान ने भी ज्ञान दिया, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये ना पत्थर के ऊपर कुछ बना हुआ था, मैंने पूछा एक दो जने से, कहते हैं यहाँ पे छोटा सा एक फोर्ट बना हुआ था, फोर्ट या घर या व्हाटएवर, और वो टूट गया टाइम के साथ, काफ़ी पुराना था और अभी भी है थोड़ा बहुत बचा हुआ। ये जूम करके देखता हूँ, शायद दिखेगा, ये कुछ बचा हुआ है हिस्सा है, विंडो दिख रही है एक दो वॉल से, तो बाकी सेट है, बट अच्छी लोकेशन है। पकौड़े बोल के हम पकौड़े खाएंगे, चिल मारेंगे, कल मॉर्निंग में निकलना है फुकतल मोनेस्ट्री, फुकतल मोनेस्ट्री, फुतगल मोनेस्ट्री, बहुत सारे नाम सुने हैं मेरे को, एग्जैक्ट नहीं पता, फुतकल ही कहते हैं वैसे जाकर, तो वहाँ जाएंगे, वो भी ट्रैक है और जाएंगे दिखाएंगे आप लोगों को। होपफुली सुबह प्लान है, जल्दी जाएंगे तो प्रेयर जो होती है मॉर्निंग की वो हम लोग देख पाएँ, अलाउ किया तो मैं रिकॉर्ड भी करूँगा। ये है नेम ऑफ ब्रिज, इस पुरने ब्रिज, स्पैन 160 फीट, लोकेशन 204.800, बाकी पता नहीं, प्रोजेक्ट योजक। और ये रिवर है, बड़ी शांति से जा रही है रिवर और कन्फ्लुएंस सुन रहा है। और उधर हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे दूसरी रिवर मिलती है यार, इससे नाम तो मेरे को उनको पता नहीं, शक्तिमान बताएगा तो चल जाएगा ज्ञान का भंडार। बट क्या ही टेरेन है यार, अल्टीमेट मज़ा आ गया, ब्लू स्काई और वो विलेज ऊपर। ये कुछ पुराने घर हैं 3-4, जो मैंने पूछा था लोकल से तो उन्होंने बताया था कि ये 3-4 घर हैं जो ओरिजिनल विलेज है, बाकी अभी यहाँ पे टेंट्स, होटल, होम स्टेज वगैरह और कॉटेजेस वगैरह बनने लग गए, तो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। फिलहाल जो पुरानी हिस्ट्री थी उसके हिसाब से सिर्फ 3-4 घर ही थे और आई डाउट कि ये लोग सर्दियों में यहाँ रहते होंगे कि नहीं, सर्दियों में तो दबा के स्नो पड़ती है 10-15 फीट और उसमें रहना सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी शहर से कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। फिलहाल देख लो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम, ये पत्थर पत्थर रखे हुए हैं, तो कंस्ट्रक्शन दबा के यहाँ पर भी शुरू हो गई है। ये होगा वहाँ पर, अच्छा गुफा में कूड़े वाग लगाए हुए गंद पाई देते हैं हम लोग जहाँ जाते हैं, बट क्या ही बैठे। तो भाई यहाँ घूमते घूमते संगम कॉन्फ्लुएंस जो भी है पहुंच गए हैं, अभी दिख रहा होगा यार इधर से गंदा पानी आ रहा है, इधर से साफ पानी और दोनों मर्ज हो रहे हैं। नाम मेरे को नहीं पता यार रिवर्स के, कैप्टन साहब से पूछ के बताऊंगा, बस नज़ारा एंजॉय कर लो। ये शायद बारिश का पानी होगा, ये ग्लेशियर का पानी होगा, इसलिए साफ है, पानी का फ्लो भी काफ़ी है यार, बड़ा प्यारा।
सही है यार, मेरी सुन वो बेस्ट लोकेशन है। ये कॉटेज कुटेज बने थोड़े बहुत उसके पास, और व्यू ही कितना प्यारा आ रहा है यार। ये पाइप है क्या है बट रिवर का यार नाम किसी को पता हो तो कमेंट करके बता देना, नहीं तो फिर मैं कैप्टन साहब से पूछूंगा, वो बता तो रहे थे कुछ सुना नहीं मैंने। देखते हैं तब तक आप सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो रिवर के। करके फिर से वापस आ गए और ये हमारा कुछ टेंट्स हैं स्टे है यहाँ पे। नाम नूम तो है नहीं यार यहाँ पे कुछ भी, इतने ऑप्शंस नहीं है कि ये है, एक थोड़ी देर पीछे रह गया और एक ऊपर है, वहाँ पे भी टेंट्स हैं और धूप निकला ही, बादल चले गए और मौसम हो गया मस्त, ठंड हो गई हल्की हल्की, मज़ा आ रहा है। आप लोगों को दिखा देता हूँ टेंट भी यार, पता नहीं रेट वूट तो पता नहीं है, वो तो ग्रुप के उसमें ही हुए हैं। ये टेंट है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि वॉशरूम अटैच्ड है, वो ज़्यादा बढ़िया है। ये वॉशरूम है, दिक्कत नहीं आएगी, सही है। नज़ारा पकौड़े खा के आए हैं, चाय पी के आए हैं और डिनर 8:30 बजे होगा, तो थोड़ा रेस्ट कर लेंगे और कल ट्रैक भी करना, हिम्मत चाहिए। डेढ़ घंटे